हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएड का एक टॉपिक जिसका नाम है सोशल मोबिलिटी। ये जो टॉपिक है ये आपको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाएगा। सोशल मोबिलिटी टॉपिक है ये, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। सोशल मोबिलिटी की सोशियोलॉजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। इट ग्रेटली अफेक्ट्स द सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच सोशल चेंज टेक प्लेस। ये क्या करता है, ये ग्रेटली अफेक्ट करता है जो हमारा सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका सोशल स्ट्रक्चर है, उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सोशल चेंज टेक प्लेस करता है हमारी सोसाइटी में। सोशल मोबिलिटी आल्सो मीन, सोशल मोबिलिटी का एक और मतलब है कि मूवमेंट होना, मूवमेंट होना एक इंडिविजुअल की उसके सोशल स्ट्रक्चर में। तो सोशल मोबिलिटी का क्या मतलब है, बेसिकली अगर हम यहाँ पे सोशल मोबिलिटी की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बीएड के मामले में, तो यहाँ पे सोशल मोबिलिटी का मतलब है कि मूवमेंट होना एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की उसके सोशल स्ट्रक्चर में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट होना। अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मिलर एंड वूक, सोशल मोबिलिटी क्या है। सोशल मोबिलिटी एक मूवमेंट है एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की, फ्रॉम वन सोशल क्लास स्ट्रेटियम टू अनदर। बेसिकली इसमें इनका कहने का मतलब ये है कि एक सोशल क्लास से दूसरी सोशल क्लास में जब एक इंसान की मूवमेंट होती है तो उसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पी सोरोकिन, इनके अकॉर्डिंग जो सोशल मोबिलिटी है उसका मतलब है मीन्स एनी ट्रांजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन एनी सोशल ग्रुप। इनका कहने का मतलब ये है कि इनके अकॉर्डिंग जो सोशल मोबिलिटी है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल की ना पोजिशन में चेंज आ रहा है। जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है एक सोशल ग्रुप के अंदर, तो उसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि सोशल मोबिलिटी कितने तरीके की होती है। तो वी कैन कैटेगराइज सोशल मोबिलिटी, हम सोशल मोबिलिटी को कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं इन अकॉर्डेंस, मतलब विद रिस्पेक्ट टू जो डायरेक्शन होती है मूवमेंट की एक इंसान की सोसाइटी के अंदर, उसके बेसिस पे हम बांट रहे हैं सोशल मोबिलिटी के टाइप्स को। तो सबसे पहले है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी क्या होती है, व्हेन मूवमेंट टेक प्लेस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर एट द सेम लेवल विद इट अ सिंगल स्ट्रेटियम, दिस प्रोसेस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी एक ऐसी मूवमेंट होती है, मतलब एक मूवमेंट टेक प्लेस कर दी है एक इंसान की, जहाँ पे एक इंसान मूव करता है एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन पे सेम लेवल पे, ठीक है, उसको हम हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। इसके बाद बातें हैं हम आगे। इन दिस देयर इज़ नो चेंज इन सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन टेक प्लेस। हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह एक इंसान मूव कर रहा है सेम लेवल पे, तो इसमें क्या होता है, इंसान के सोशल स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता, उसकी इनकम नहीं बढ़ती है, उसका प्रेस्टीज नहीं बढ़ता है, उसकी फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ती हैं, बट सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है यहाँ पे, एक इंसान एक दूसरी जगह चला जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि मतलब ट्रांसफ़र हो गया एक इंसान का, पर्सन का, बट उसकी इनकम नहीं बढ़ी, उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, उसकी प्रेस्टीज नहीं बढ़ी, फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ी, वो सारी की सारी चीज़ें सेम है, बस वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया काम करने के लिए, इसको हम हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। मीन्स देयर इज़ नो चेंज, उसके सोशल स्टेटस में कोई चेंज नहीं आया, बस उसके ट्रांसफ़र हो गया, उसका उसकी पोजीशन में चेंज आ गया। अकॉर्डिंग टू सोरोकिन, जो टाइप्स होते हैं हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी के वो कौन कौन से हैं। एक तो होता है इंटर ग्रुप मोबिलिटी इन रेस एज, मतलब हम सेम लेवल पे एज हमारी बढ़ती है, ठीक है, हम वही हैं, हमारी कोई फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं, बस हमारी एज बढ़ती जा रही है, वो इंटर ग्रुप मोबिलिटी हो गई। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ये ट्रांसफ़र वाली बात हो गई कि आपका ऑक्यूपेशन में आपको एक जगह से दूसरी जगह अपने काम के लिए मूव करना पड़ रहा है, बट आपकी सोशल स्टेटस में कोई चेंज नहीं आ रहा।
इंटर रिलीजियस मोबिलिटी हो गई कि मतलब आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जा रहे हैं बट सेम लेवल पे। टेरिटोरियल मोबिलिटी हो गई कि एक जगह से एक जगह छोड़ के आप दूसरी जगह रहने जा रहे हैं बट आपके सोशल स्टेटस में कोई चेंज नहीं आया। पार्टी मोबिलिटी यहाँ पे है कि इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल टर्म्स है ये कि मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफ़र होता है आपका, लेकिन आपको सारा जो फैसिलिटीज़ हैं वो सेम ही मिल रही हैं, आपके सोशल स्टेटस में कोई चेंज नहीं आ रहा। उसके बाद इंटरनेशनल मोबिलिटी भी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का टाइप है। इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, घूम रहे हो या रहने जा रहे हो पर आपके सोशल स्टेटस में कोई चेंज नहीं आ रहा। नेक्स्ट है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी क्या होती है? व्हेन द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल चेंजेस फ्रॉम वन स्ट्रेडियम टू अनदर व्हेन देयर इज चेंज इन स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका कहने का मतलब यह है कि जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और साथ में उसके सोशल स्टेटस में भी चेंज आ जाता है, उसको हम वर्टिकल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सोशल स्टेटस हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घट भी सकता है, कम भी हो सकता है। एग्जाम्पल कि एक टीचर को प्रमोशन मिल गई और वो लेक्चरार बन गए हैं तो उनकी सैलरी भी बढ़ गई है, उनकी फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं, मतलब उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ गया है, उनकी मूवमेंट भी हो गई है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, प्लस उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ गया है। टाइप्स ऑफ वर्टिकल सोशल मोबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे वही बात है, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी होती है कि मतलब आपका सोशल स्टेटस बढ़ भी सकता है, एंड डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी भी होती है कि आपका सोशल स्टेटस घट भी सकता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो सोशल मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन अफेक्ट कर सकती है सोशल मोबिलिटी को, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, आपको एरिया नहीं पसंद आ रहा तो आप दूसरे एरिया में जा कर के रहने की सोच रहे हैं जहाँ पे शांति हो। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट कर सकता है कि जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है, ठीक है, आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हैं तो आप छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है अगर आपकी इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो घट रहा है, ठीक है, इनकम घट रही है, फैसिलिटीज़ घट रही हैं तो आप बड़े मकान से छोटे मकान में भी शिफ्ट हो जाएंगे। एजुकेशनल कॉस्ट भी होता है जो कि सोशल मोबिलिटी को टेक प्लेस करने में मदद करता है, क्योंकि एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, या फिर आप दूसरे शहर में पढ़ने जाते हो। ऑक्यूपेशनल रैंकिंग भी होती है कि आपको प्रमोशन लेना है तो आपको दूसरी जगह जाके जॉब करनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। उसके बाद में हमारे पास होता है सोशल सेटअप। सोशल सेटअप में क्या होता है कि मतलब हमारा सोसाइटी का कुछ ऐसा सेटअप हो रहा है, लाइक हमारे पास छोटा घर है लेकिन हमारी सोसाइटी डिमांड करती है कि हमें बड़ा घर लेना चाहिए, क्योंकि लोग एक दूसरे को देख करके ही अपने अंदर चेंजेस लाता पाना चाहते हैं, कुछ नया पाना चाहते हैं। उसके बाद में लेवल ऑफ एस्पिरेशन की, मतलब आप कुछ अचीव करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, उस वजह से भी सोशल मोबिलिटी टेक प्लेस करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की वजह से भी सोशल मोबिलिटी टेक प्लेस करती है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है तो आप दूसरी जगह काम करने चल जाएंगे, तो वो भी आपका सोशल मोबिलिटी का एक कॉज। अब हम देखेंगे कि एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है। सोशल मोबिलिटी स्टूडेंट्स की टेक प्लेस करती है, एजुकेशन में भी सोशल मोबिलिटी का रोल तो है ही, क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए भी उनकी सोशल मोबिलिटी टेक प्लेस करती है। उसके बाद आ जाता है कि डिस्टेंस एजुकेशन है या ओपन स्कूल है, उसकी वजह से भी सोशल मोबिलिटी पे इफ़ेक्ट होता है। एजुकेशन लेवल से भी सोशल मोबिलिटी पे इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि कई बार कि एक स्कूल है वो अच्छा नहीं है, दूसरा स्कूल ज़्यादा अच्छा है तो उसमें डाल देते हैं बच्चे को, तो वो सोशल मोबिलिटी के एक कॉज बनता है। और एक रिलेशनशिप भी है एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी का। सोशल मोबिलिटी टीचर्स की भी टेक प्लेस करती है, क्यों टेक प्लेस करती है? सैलरी के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए, उसकी करिकुलम में वेरिएशन की वजह से भी सोशल मोबिलिटी टेक प्लेस करती है। उसके बाद है कि सोशल मोबिलिटी के कॉजेस क्या हैं। बेसिकली ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, जैसे जियोग्राफिकल कॉजेज। नेक्स्ट जो कॉज है सोशल मोबिलिटी का वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक कॉज है सोशल मोबिलिटी का, क्योंकि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको समझ नहीं होती है कि हमें कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो कई बार वो क्या करते हैं कि अपने
ज़्यादा इन पॉपुलेशन की हमने पहले बात की थी, वही वाला फैक्टर है। एंड फिर मोटिवेशनल फैक्टर्स भी होते हैं कि कहीं आपको कोई मोटिवेट करते हैं कि आपको यहाँ जाके पढ़ना चाहिए, आपको बाहर जाके काम करना चाहिए, तो भी सोशल मोबिलिटी टेक प्लेस करती है। वेकेंट प्लेसेस की सप्लाई भी होती है, मतलब आपकी जॉब लगी हुई है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको कहीं और अच्छी सैलरी मिल रही है और वहाँ पर आपका जो पोजिशन है वो खाली है, एक इंसान की ज़रूरत है वहाँ पर, वेकेंट प्लेस है, वेकेंट है, तो वहाँ पर हम चले जाते हैं, वो सोशल मोबिलिटी हो जाती है। इंटरचेंज ऑफ रैंक्स की वजह से भी सोशल मोबिलिटी होती है, कुछ बच्चे जो हैं वो अच्छी रैंक पाने के लिए अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, कुछ टीचर्स हैं वो अच्छे स्कूल्स की रैंक देख करके उस स्कूल में चले जाते हैं, तो इस तरीके से सोशल मोबिलिटी टेक प्लेस करती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।